सत श्री अकाल जी सारा स्वागत है ताड़ा अपने यूट्यूब चैनल पर। ट्रिपल एस बी डिपार्टमेंट अंदर एडवरटाइज नंबर 6 की वैकेंसी आई सी जी, जिद वैकेंसियां सी जूनियर इंजीनियर सिविल दियाँ ते सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट ने अपलाई किया जी सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर लिए किया क्योंकि एनीग्रेशन बेस वैकेंसी सी। तो इस आप फार्म भर की वीडियो बना चुके हैं, फीस भरने भी वीडियो बना के दसी है जी। तो तुम अपना एप्लीकेशन प्रिंट कि डाउनलोड कर सकते हो, स्टैप दसागा ठीक है जी। तो जिन्होंने ले फाइनल प्रिंट नहीं आया वह किन्ने दिन वेट करने पैने, किन्ने दिन बाद भी दसागा जी। सब तो पहला गल तो दस देना चाहूँगा कि जे मान लो तुम फार्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, जिदा फील्ड वगैरह ऑप्शन आ रहा वा ठीक है, फार्म भरन के टाइम तक ठीक है। जे फीस भरने तुम आ रहा वेरीफाई वाला कोई ऑप्शन फिर आ रहा वा, तो तुम स्क्रीनशॉट लैके डिपार्टमेंट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से जाओगे ना, तो वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन ये तो जो क्लिक करोगे तो तुहाडे सामने ऑनलाइन कंट्रोल रूम वगैरह आ जाता जी, आ रहा नीले अक्षर क्लिक हेयर टू व्यू पब्लिक नोटिस कंट्रोल रूम्स। इतने जाओगे तो जीमेल मिलेगी, इतने तुम जीमेल लैके तुम मेल पा देनी, स्क्रीनशॉट पा देना नाल पा देना कि इदा फेल्ड मतलब कि कोई वेरीफाई मतलब जो फीस नॉट पेड आ रही है ज नॉट फॉर्म फिलअप इदा सब्जेक्ट लिख दो, तो उन्होंने पता लग जाना कि आ दिक्कत आ रही वो सही कर देंगे ठीक है जी। हुण लिंक वगैरह सही चलते पे आ जी, पहला दिक्कत करते पे सी। तो आप मतलब कि एप्लीकेशन कि डाउनलोड करना जी, सब तो पहला गूगल क्रोम ओपन कर लेना, उ ट्रिपल एस बी सर्च करना जी। तो जो तुम गूगल क्रोम ओपन करते हो पहले लिंक से क्लिक कर लेना ट्रिपल एस बी का, ट्रिपल एस बी सर्च किया गूगल क्रोम के, तो पहले लिंक पर आ गए। उस तो बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन से जाना, उस तो बाद आला है जी 26 वाला है जी क्लिक हेयर टू अपलाई पोस्ट ऑनलाइन जरा जूनियर इंजीनियर तो सीनियर असिस्टेंट जो एडवरटाइज नंबर 6 है लिंक ये वाला वा ठीक है जी। तुम तरीक याद कर लो, तरीक के पता लग जूगा, तो 20 अक्टूबर तक फार्म भरने स्टार्ट फार्म भरे जाने जी ये ठीक है। तुम देख भी सकते हो उ लिखा भी मैंशन भी किया ठीक है जी 20 अक्टूबर तक। बाकी जे कोई दिक्कत आँदी है कोई आँदी है एक्सटेंड हो सकती है डेट, तो बाकी तुम नीचे आना जी, जरा फाइनल प्रिंट वगैरह मिलना जी इतों ही मिलना वा। एक होर जानी गल दसना चाहना कि ना कैंडिडेट अपलाई कर रहा है, जो मतलब कि फोटो वगैरह अपलोड करते उस टाइम उन्होंने फेल हो जाता क्योंकि उन्होंने साइज़ वध होंगे ने फोटो ईमेल के, तो दोबारा अपलाई करते इतने फिर चल जाते हैं ये वाली जगह पर। तुम इतने नहीं जाना जी, इतने जाना वा ठीक है जी। आज सामने अपलोड फोटो साइन की ऑप्शन भी आ रही है, फीस भी इतने पे करनी है, तो एप्लीकेशन भी तुम्हें इतने मिलना वा, तो जिन्हें एप्लीकेशन डाउनलोड करना फीस पे कर चुके हैं तो इतने जाना वा। तो फीस पे जो तुम कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जरूर चैक करो कि फीस उत्ते डन आ रही है, मतलब कि पा रहा कि सक्सैसफुली है तो फीस पे हो चुकी है, तो फिर तुम समझो कि डन ठीक है जी। वह स्क्रीनशॉट ले लो रैफरेंस नंबर का, उस तो बाद क्लिक करना ओके, उस तो बाद एप्लीकेशन नंबर से डेट ऑफ बर्थ भर के सबमिट कर देना जी। तो असं जो मतलब कि अपना एप्लीकेशन नंबर से डेट ऑफ बर्थ फिल किया जी, तो सामने इदा का ऑप्शन आ जाने जी, मतलब कि फाइनल प्रिंट आ चुका वा। ये PDF फाइल ओपन करा तो PDF शो हो जूगा, तो बाकी क्योंकि किसी की निजी जानकारी से इस करके उन्होंने चीज़ में शो नहीं ज़्यादातर किया गया मैं जी मेरे वालों, तो इस करके हम आप ओपन से क्लिक करते हैं जी। तो एडवरटाइज नंबर 6 है जी ये वाला, तो जोड़ा कैंडिडेट ने अपलाई किया है वा जी, तो जब सारी इनफॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ, क्योंकि जो ताकि सिलेक्शन वगैरह हो जाती है उस टाइम तो पूछा जाता जी 10वीं+2 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सारा कुछ ठीक है जी। जिदा 3 अक्टूबर इन्होंने अपलाई किया होगा, तो इन्हों की मतलब कि फीस भरी इन्होंने 3 दिन बाद, उस तो 4 या 5 दिन लग जाते हैं जी प्रिंट आने के बाद, तो जोड़े भी कैंडिडेट प्रिंट लेना चाहते 4-5 दिन वेट कर लैन जी ठीक है जी। तो इदा मतलब कि प्रिंट निकल आना एडवरटाइज नंबर 6 का, तो मैं थोड़े हाइड कर दी चीज़ा, तो इदा ताकि सारी इनफॉर्मेशन लिखी आऊगी जी, तो किन्नी अमाउंट आ ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ आजगा, तो क्योंकि ये जो फाइनल सिलेक्शन होती है उस बेस तेज चैक किया जाता कि हाँ तुम जी इनफॉर्मेशन भरी आई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं सही, क्योंकि कई बार जो मान लो कई कैंडिडेट्स बाहर कढ़ना होता ना तो कह देंगे जो तो एप्लीकेशन प्रिंट नहीं करता तो वह मतलब कि नहीं आ सकते या बाहर हो सकते, तो कई बार तो चलो प्रोवाइड कर देंगे कई बार नहीं प्रोवाइड करते, इस करके अपना फाइनल प्रिंट जरूर ले लेना वा जी। तो इनफॉर्मेशन ताकि इतना दिखी दिख जूगी जी, तो जो भी कैंडिडेट अपलाई कर रहे हैं जी अपना फाइनल प्रिंट जरूर लो जी, क्योंकि जब तुम फाइनल प्रिंट लिया होगा तुम्हें पता होगा कि फीस पे आने फिर ही एप्लीकेशन प्रिंट मिले, क्योंकि जो कई बार तेरे एडमिट कार्ड आते उस टाइम तुम कहते हो जी साढ़े तो एडमिट कार्ड है नहीं साढ़े तो एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो बाद गलती आ, इस करके मैं सारे कहूँगा कि अपनी अपना एप्लीकेशन प्रिंट जरूर लो जी कि बाद कोई दिक्कत ना आए।